भोगन न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में बैरिगेट्स तोड़कर बिजली दफ्तर के अंदर घुसे भाजपा। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में गुढ़ियारी स्थित बिजली दफ्तर का घेराव किया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता बिजली दफ्तर पहुँचे। बिजली दफ्तर पर मौजूद पुलिस फोर्स इन कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सके। बैरिगेट्स तोड़कर तमाम कार्यकर्ता बिजली दफ्तर के भीतर दाखिल हो गए। बातचीत में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि यह जनता का गुस्सा है। बढ़ते बिजली बिल और सुरक्षा निधि के नाम पर की जा रही वसूली की वजह से यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जल्द ही इस संबंध में राहत नहीं दी गई तो जनता का गुस्सा और फूटेगा। नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरिगेट्स तोड़कर गुढ़ियारी के बिजली दफ्तर में तो घुसे ही और अंदर मौजूद मेन गेट पर भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता चढ़ गए। काफी देर तक गेट पर जोर लगाने के बाद लोहे के गेट को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों और भाजपा नेताओं के बीच काफी बहस भी देखने को मिली है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत कार्यकर्ताओं के साथ बिजली दफ्तर के भीतर धरने पर बैठ गए। सुरक्षा निधि वापस दिए जाने की मांग को लेकर उन्होंने धरना दे दिया। अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद पूर्व मंत्री का काफी देर तक धरना जारी रहा। प्रदर्शन को लेकर राजेश मूणत ने बताया था कि पूरे प्रदेश रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में भी बिजली में मनमानी कटौती हो रही है। जनता बिजली बिल में बढ़ोतरी, सुरक्षा निधि के नाम से अवैध वसूली से परेशान है, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले यह विरोध किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शहर के सभी मंडलों से मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में नेता गुढ़ियारी पहुँचे।